हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन एफआईआर के बारे में। सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को देखते हुए कुछ स्टेट्स ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली एफआईआर के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि एफआईआर क्या होती है, कौन एफआईआर फाइल करवा सकता है, किसके पास एफआईआर फाइल करवाई जाएगी, एफआईआर अगर पुलिस लिखने से मना कर देती है तो आप क्या कर सकते हो, एफआईआर लिखने का क्या प्रोसीजर होगा, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग प्रोविजंस हमें मेंशन की गई है CRPC यानी कि द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। पुराना लॉ होने की वजह से इस लॉ में ऑनलाइन एफआईआर के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं दी हुई है, इसीलिए सभी स्टेट्स ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाने की प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करती। कुछ ही स्टेट्स हैं जो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हाँ, सीआरपीसी को चेंज करके जो नया लॉ लेके आ रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाने की प्रोविजन दी हुई है। जब वो लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा तब सभी स्टेट्स द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो अभी कुछ फिलहाल कुछ ही स्टेट्स, कुछ ही यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो कि ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और ऑनलाइन एफआईआर में भी आप सभी तरह के क्राइम्स की एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकते, कुछ ही क्राइम्स हैं जो कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर क्या होता है। स्क्रीन पर आपके पास एक लिंक शो हो रहा है, उस लिंक को आप ब्राउजर पर फिल करके दिल्ली पुलिस की साइट को ओपन कर लोगे। दिल्ली पुलिस की साइट ओपन करने के बाद सर्विसेज में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल थेफ्ट हो गया, थेफ्ट ई एफआईआर हो गया। सो दिल्ली में अगर आपको ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो सिर्फ आप चोरी की ही एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो, और किसी भी क्राइम की ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाने की अभी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो अगर आपका मोटर व्हीकल चोरी हुआ है तो आप मोटर व्हीकल थेफ्ट पर क्लिक कर लोगे, अगर मोटर व्हीकल के अलावा कोई और सामान चोरी हुआ है तो थेफ्ट ई एफआईआर पर आप क्लिक कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका मोटर व्हीकल चोरी हो गया तो मोटर व्हीकल पर क्लिक करके आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एग्जिस्टिंग यूजर और न्यू यूजर। अगर आप पहली बार इस साइट पे आए हो तो न्यू यूजर पर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अगर आप पहले भी आ चुके हो और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करके हम अपनी आईडी को लॉग इन कर लेंगे। तो लॉग इन करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि रजिस्टर ई एफ आई आर, फिर आएगा हमारे पास रिट्रीव एफ आई आर, ऐसे कुछ ऑप्शन हमारे पास शो होंगे। तो रजिस्टर एफआईआर पर हम क्लिक करेंगे, देन हमसे पूछा जाएगा कि आपका मोटर व्हीकल दिल्ली में चोरी हुआ है। अगर हाँ तो आपके पास नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आप नो क्लिक करते हो तो आप ये एफआईआर दिल्ली में दिल्ली की इस साइट से रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो यस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपको कंप्लेनेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। जो भी पर्सन कंप्लेन कर रहा है, एफआईआर दर्ज करवा रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नाम, नंबर, फोन एड्रेस हो गया, उसका आधार कार्ड हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो भी उसकी डिटेल्स है वो सारी डिटेल हम लोग फिल कर देंगे। पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन के अंडर आएगी, ये डिटेल फिल हो जाएगी, किस डेट को, किस टाइम पर मोटर व्हीकल चोरी हुआ है, ये सारी डिटेल फिल कर दी जाएगी। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें फिल करना होगा व्हीकल की डिटेल। जो भी आपका मोटर व्हीकल चोरी हुआ है उस व्हीकल की डिटेल आ जाएगी। देन मोटर व्हीकल डिटेल फिल करने के बाद थर्ड पेज पर हमें फिल करना होगा कि मोटर व्हीकल के साथ साथ अगर आपका कोई और सामान भी चोरी हो गया, जैसे कि यार स्कूटी में हम कुछ ना कुछ सामान रख देते हैं, तो उस स्कूटी में अगर आपके कुछ सामान पड़ा है, यानी या फिर गाड़ी में आपकी कुछ सामान पड़ा है, वो सामान भी अगर आपका चोरी हुआ है तो उस सामान की भी हमें डिटेल मेंशन करनी होगी कि क्या चीज मोटर व्हीकल के साथ आपकी चोरी हुई है। उस सामान की डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद अदर डिटेल्स में हमें कुछ अपना आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड वगैरह कोई भी चीज आप एज आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करके आपको जस्ट एफआईआर रजिस्टर कर देनी है। सिमिलरली अगर मोटर व्हीकल के अलावा आपका कोई और सामान चोरी हुआ है तो थेफ्ट ई एफआईआर की ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी होगी। तो मोटर व्हीकल की जगह पर आपको वो सामान की डिटेल फिल करनी होगी जो भी सामान आपका चोरी हुआ है। सो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। इस प्रोसीजर के थ्रू आप घर बैठे ही ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करवाते भी हो तब भी आपको पुलिस स्टेशन में जाकर साइन करना होगा एफआईआर पर, और एक्नॉलेजमेंट देनी होगी कि हाँ हमने ही ये एफआईआर रजिस्टर करवाई है और ये एफआईआर फेक नहीं है। अगर आप साइन नहीं करते हो तो तब तक सस्पेक्ट की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जाती जब तक साइन नहीं किए जाएंगे एफआईआर के ऊपर। और हाँ, जब भी आप ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करने जाओगे तो एग्जिस्टिंग यूजर और न्यू यूजर की
जब हमें ऑप्शन आती है तो वहां पर एक वार्निंग लिखी होती है कि फेक अगर आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हो तो वो पनिशेबल है। अगर आप फेक एफआईआर रजिस्टर करवाते हो तो आईपीसी के सेक्शन 182 के अंडर आपको 6 महीनों की जेल की सजा हो सकती है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।